जीवन में ना आपके लाइफ में कभी एक ऐसा पल कभी नहीं आया ना कि आपको अपने माँ बाप के ऊपर चिल्लाना पड़े। बचपन में सब बोलता है माँ बाप, लेकिन एक समय ऐसा आता है शादी ब्याह होने के बाद ना, कभी कभार माँ बाप के ऊपर लोग चिल्ला देते हैं। तो आपके जीवन में वो दिन कभी नहीं आना चाहिए भाई। इसीलिए बोलता हूं आज इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो ना कि पैसा इतना हो कि आपको परिवार वाले के ऊपर चिल्लाने का नौबत ही ना आए। और एक बात याद रखिएगा, पैसा आज है तो कल नहीं है, लेकिन जिस घर में अगर माँ बाप बहुत खुश है ना और पैसा नहीं भी है ना, तो बाबू उस घर में बहुत शांति है। और जिस घर में शांति है, सही मायने में वही घर ना स्वर्ग है। आप देख लो ऐसे बहुत सारे घर होंगे ना, पैसा बहुत सारा है लेकिन दिन भर किचिर 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 टेंशन पेंशन। अब इंसान जो कमा रहा है ना, वो भी समझता है इतना पैसा कमा कर भी ना घर में कुत्ता की तरह हालत हुआ है। तो याद रखिएगा, जिस घर में माँ बाप का इज्जत होता है ना, उस घर में बाबू शांति ना ऑटोमेटिक बना रहता है। थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, जीवन तो यही खेल है ना। जीवन का मतलब क्या है? यही सब कुछ लेकर चलना है, और जो सब कुछ लेकर चलता है वो सबसे सक्सेसफुल इंसान होता है जीवन का। और डेली एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं पिछले दिन का करंट अफेयर का, तो कल के करंट अफेयर से दो क्वेश्चन आप सभी के लिए। LIC के द्वारा अपने विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो एप्लीकेशन बनाया गया है LIC के द्वारा, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है ताकि वो प्रीमियम देख पाए। आपको पता होगा जितने भी विकास अधिकारी है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके अंतर्गत बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो कितना प्रीमियम कलेक्शन हुआ, क्या हुआ, सबका हिसाब किताब देख पाए उस एप्लीकेशन के ऊपर। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है LIC के द्वारा। क्या नाम है बताइएगा, कल बताए हैं। एक किताब का नाम साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये भी आपको बताना है। राजनाथ सिंह इस पुस्तक का उद्घाटन किए, लेखक कौन है। और क्लास स्टार्ट करवाने से बोल दे पहले कि सक्सेस की 98 एप्लीकेशन पर 99 पर जाकर ये सारे टॉपिक आप ले सकते हैं, बेस्ट स्टैटिक जीके के टॉपिक। और एक बात, स्टैटिक जीके के ये सब टॉपिक तो ऐड ही कर दिए ना आपके, सब ये सब आपको मिल जाएगा। और आपको पता है भैया, एक एक टॉपिक ना हर एग्जाम में ये सब सेक्शन से क्वेश्चन ना बने हो ही नहीं सकता। 35 टॉपिक है, 10 टॉपिक से तो क्वेश्चन भैया बनवे करता है, श्योर है, कोई भी एग्जाम हो। अभी 4-5 टॉपिक जो आपको अभी हाल फिलहाल में करवाए हैं ना, वो रामसर साइट हुआ, ये सब वो सब चीज भी आपको अपडेट कर देंगे। तो एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं आप डाउनलोड कर, और 1500 बेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और आज का पहला क्वेश्चन, और एक बात, क्लास को ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस क्लास के लिए खास कर, ठीक है। तो एक लाइक आप सभी कम से कम इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा। और आज का टारगेट ना 1.7 के, 1700 लाइक का टारगेट रखते हैं, कंप्लीट करवा दीजिएगा। एक पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एकदम सुनिएगा। शंघाई सहयोग संगठन का एकदम सुनना, अच्छे से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हो 10 का 10 ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है। सब क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बनने लायक है एग्जाम में। और डेली में 10 से 12 मिनट ही क्लास करवाता हूं ताकि आपके ऊपर करंट अफेयर का बहुत लोड ना हो। आपको ये पता हो 10 मिनट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन याद होगा, क्वेश्चन याद हो रहा है, ठीक। अब सुनो मेरा बात कि ना, शंघाई सहयोग संगठन का परमानेंट सदस्य कौन बन चुका है? आपको पता होगा इस संगठन के अंदर इससे पहले 8 सदस्य थे, अभी ना एक और जुड़ गया। यानी अब एग्जाम में पूछेगा आप सभी से कि शंघाई सहयोग संगठन के अंदर टोटल कितने सदस्य हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 9। 8 कौन कौन था पहले? चाइना, इंडिया, कजिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। एकदम याद रखना मेरे भाई। और एक बात याद रखिएगा, ये 8 में ना, एकदम याद रखना, ये 8 देश पहले थे, अभी ईरान नया जुड़ा है, 9वां। कौन? अभी ईरान नया जुड़ा है, 9वां देश, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि ना, इस संगठन का गठन कब हुआ था? 15 जून 2001 को। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो व्लादिमीर नोरोव। और इसके अंतर्गत दो ऑफिशियल भाषा है, आधिकारिक भाषा, चाइनीज और रसिया, और बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय। आप मेरे साथ साथ ना कम से कम बोलिए भाई,
आप जितने लोग भी सुबह 8 बजे क्लास देख रहे हैं, मैं आपको बराबर बोलता हूं, आप सिर्फ ये क्वेश्चन देखकर मत निकलिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको डेली रटवा रहा हूं, तो आप मेरे पीछे पीछे बोलो। इसी हफ्ता के अंदर 4-5 बार बता चुके हैं इसके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो अगर 4-5 बार मेरे पीछे पीछे बोलते तो अभी तक याद हो जाता, तो मेरे पीछे पीछे बोलिए आप सभी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है? यानी अब इस राज्य में ना ऑनलाइन गेम आप नहीं खेल पाएंगे, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है बाबू, क्योंकि ना देखो हमारा ना देश का युवा कहां जा रहा है इसके ऊपर ना लेक्चर देने के लिए 1 घंटा भी कम है, कहां हमारा देश जा रहा समझ में नहीं आ रहा है। और नेता लोग संसद में बैठे हैं, राज्यसभा में क्या बिल बनाते हैं देश के लिए, देश के हित में पते नहीं चलता है, कितना मतलब ना हमारे देश जो कल्चर फॉलो करता है, जो संस्कृति, क्या हम लोग अंग्रेज हैं यार? कितना सारा वेब सीरीज चल रहा है, कितना गंदा गंदा चल रहा है भाई, कभी भी कोई वीडियो चल जा रहा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यार मम्मी है पापा है यार, क्या हम लोग कहां रह रहे हैं? तो इसके खिलाफ भी एक बिल आना चाहिए कि ये सब बंद करो, हमारे समाज के लिए सही नहीं है, माँ है बहन है घर में सब है, क्या चल रहा है हमारे भारत में? तो एक स्टेप अच्छा लिया गया है, ऑनलाइन जो गेमिंग को बैन कर दिया गया कर्नाटका में, एकदम याद रखिएगा, एकदम क्वेश्चन याद रखना। अब कर्नाटका के बारे में, हर राज्य के बारे में कल PDF दे दिए टेलीग्राम के ऊपर, दिए है ना टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, हर राज्य के बारे में कल PDF दे दिए, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या, ग्रुप का नाम क्या है तो आपको पता भी है, जिस चैनल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं उसी नाम से, सक्सेस की 98। हर राज्य के बारे में, लोकसभा सीट कर्नाटका में 28, मेरे पीछे पीछे बोलिए चिल्ला चिल्ला कर, राज्यसभा 12, 224 विधानसभा सीट है, कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा है, राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। ये बस ना, अगर मैं चाहूं ना तो ये क्वेश्चन करवा कर सीधा ये क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको डेली ये क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप मेरे पीछे पीछे बोलो और आपको याद होता चला जाए। अब सुनो, मुख्यमंत्री तो पता होगा, अब कर्नाटक में ना टोटल 31 जिला है, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को हुआ, पीछे पीछे बोलिएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में कौन सा COVID-19 का संस्करण ना दुनिया का सबसे प्रमुख संस्करण बन गया है, यानी सबसे खतरनाक? आपको पता होगा ना डेल्टा अल्फा ये बहुत सारा वेरिएंट निकला है किसका, COVID-19 का। तो बोला जा रहा सबसे ज्यादा डोमिनेट यानी सबसे ज्यादा खतरा कौन पैदा कर रहा है, तो बोला जा रहा डेल्टा वेरिएंट, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा WHO के बारे में सबको पता है ना, मैं कितना बार पढ़ाया हूं, जिनेवा स्विट्जरलैंड 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ है, टेड्रोस एधोनॉम इसके प्रबंध संचालक है, और इसके अंतर्गत 194 देश है। अगर मेरे साथ साथ सुबह 7 बजे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो विश्वास से बोल रहा हूं ये सब चीज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर डेली मेरे पीछे पीछे दौड़ा रहे तो 1 महीना में बोलेंगे भैया सब याद हो गया, क्योंकि 1 महीना में 20-25 बार किसी के बारे में बताता हूं, किसी के बारे में, तो आप पीछे पीछे बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का 17वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? राजा ऋत्विक, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा ये कहां के रहने वाले, किस राज्य से? तेलंगाना, एकदम याद रखिएगा ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कौन है? संजय कपूर। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, 1951 में गठन हुआ है, बोलिए मेरे साथ साथ आप, तब याद होगा। अगला, निम्नलिखित में से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन करवाते हैं जान है बाबू, और 10-12 मिनट में ही करवाते हैं, पढ़ लेना एग्जाम से पहले ठीक है, वरना आप फिर बोलोगे भैया 2 महीने का कैसे पढ़े, 6 महीने कैसे पढ़े, अरे आपको 10 मिनट हम पढ़ा रहे हैं और क्लासे में याद भी करवा रहे हैं, ऊपर से PDF भी दे रहे हैं, रिविजन कर लो, भूलने का सवाल ही नहीं है। करेंट अफेयर 10 ही मिनट पढ़ना है, अगर करेंट अफेयर ज्यादा दिन तक याद रखना है तो। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तट को ना ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है? अब ये ब्लू फ्लैग क्या होता है भैया? देखो समुद्र का जो बीच होता है ना, जो प्लास्टिक मुक्त हो, पर्यावरण को पूरा ख्याल रखा जाए, जो जिस बीच पर,
उसी बीज को यह परमाणु त्याग दिया जाता है। तो दो को दिया गया है, एक तो आपका कोवलम तमिलनाडु वाले को और दूसरा आपका ईडन बीच को। ये ईडन बीच ईडन गार्डन वाला नहीं, ईडन जो बीच है ना ये पौडुचेरी में है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये ए बी हो गया ए सी होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एकदम याद रखना। 10 का 10 क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बनने लायक है। एग्जामिनर अगर एक एक दिन का 10 क्वेश्चन दे देना एग्जाम में तो भैया डरना नहीं है, क्योंकि 10 का 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FSSAI के द्वारा आपको पता होगा खाना कितना साफ सुथरा है, खाना कितना स्वच्छ है, किस कंपनी किस खाने कंपनी को लाइसेंस देना है, इसका सबका डिसीजन कौन लेता है? तो भैया ये लेता है। इसके अनुसार ना किस राज्य को नंबर एक स्थान पर रखा गया है, यानी ये राज्य ना खाने पीने के सामान में साफ सुथराई रखती है, सब चीज का ध्यान रखती है इन सब के मामले में। तो इस क्षेत्र में किस राज्य को एक नंबर पर रखा गया है? गुजरात को। एकदम याद रखना गुजरात। गुजरात के बारे में देखते हैं, बोलो मेरे पीछे पीछे, गुजरात में लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, 182 विधानसभा सीट है। मुख्य न्यायाधीश रश्मि मनोहर भाई छाया, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, 33 जिला है, 1 मई 1960 को स्थापना दिवस हुआ है, डेली सुबह 8 बजे करवाते हैं, ठीक एकदम बाबू। अगला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है ना कौन सी राज्य या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश ना एक बस लॉन्च की है, जिस बस को पता है नाम क्या दिया गया है? म्यूजिक बस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? म्यूजिक बस। यही वो म्यूजिक बस है। और ये ना दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश के जो क्या शिक्षा मंत्री है या बोल सकते हो डिप्टी सीएम कौन है, मनीष सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ये है क्या भैया? ये बोला गया है ना उस राज्य में, उस केंद्र शासित प्रदेश में जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, जिसको संगीत का गाने का शौक है ना, अब उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक को भी पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो पूरा सहयोग करेगी और माँ पापा को भी समझाएगी कि अपने बेटे को जो है वो आगे बढ़ाइए इसके लिए ना। और उनको कहीं जाना नहीं है, कहीं पर जाना नहीं है, ट्रेनिंग सीखना है, गाना सीखना है, कहीं नहीं जाना है। उन्होंने एक बस लॉन्च किया है, अब वो घर घर जाकर ना बच्चे के टैलेंट को जो है वो पहचानेगी और जो बच्चा पास हो गया उस टैलेंट में उसको ये आगे लेकर आएगी। तो म्यूजिक बस लॉन्च किया गया है दिल्ली केंद्र शासित सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम टकाटक क्वेश्चन, बनने लायक क्वेश्चन एग्जाम में, फिरोज फैजा बदिर को 2021 का गोलकीपर ग्लोबल गोल्ड चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है, जो बांग्लादेश की रहने वाले। एकदम एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बड़ी 10 का 10 क्वेश्चन ना सब इंपॉर्टेंट करवाते हैं एग्जाम में। अगर 10 क्वेश्चन एक दिन का फंस जाए ना, आप नहीं बोल सकते भैया इंपॉर्टेंट नहीं दिया, कुछ भी पूछ दिया, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आज के दिन यानी 24 सितंबर को मनाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इस बार का 2021 का विषय थीम क्या दिया गया है, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा सक्सेस की 98 पर, सी फेयर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, ठीक क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर बताई गई है ना वो 10% बताया है। अब क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको बताना है, मैंने तो बाबू आपको एक महीना में कितना बार बताया होगा किसी भी संगठन के बारे में। भैया आप किसी भी संगठन के बारे में ना अगर आपका करंट अफेयर देख लिया जाए तो मिनिमम कम से कम बाबू 20 बार तो बताते होंगे किसी भी संगठन, किसी भी राज्य, किसी भी देश के बारे में। तो अगर आप 19 बार भी मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा तो चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब बताओ एशियाई विकास बैंक के बारे में एक महीना में आपको 30-40 बार बताए होंगे, तो आज आपको बताना है एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ,
इसका प्रमुख कौन है और इसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने मम्मी पापा अंकल आंटी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर वो लोग खुश है ना तो घर में कभी टेंशन आएगा ही नहीं बाबू, कभी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का रूप है वो लोग। और अब एक बात, देश का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है।